कैसा लग रहा है? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ के वादियों से। और सुबह हो चुकी है, पता है आपको, आगे इस पूरे इलाके में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं। अगर कोई जानकार है तो वो इसका बहुत ही लाभ उठा सकता है। जैसे अभी हमें वज्रदंती हमें बताया गया था, वज्रदंती को हम पहचानते हैं तो उसको हम खा लेते हैं तोड़ के, और इसी को बड़ी बड़ी कंपनियां बिको वज्रदंती ये वो नाम से बेचती हैं। और यहाँ तो यूं ही है, तो हमने तोड़ा खाया तो यही है कि यहाँ पे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। और ये जो जिनको इन जंगल पेड़ पौधों और इन पहाड़ों ये जो प्राकृतिक सुख सुविधाएं, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि जिसको हमें छेड़ना नहीं है, ये सुख सुविधाएं लेने का जिन्हें आदत है, यानी कि जो प्रकृति के बीच रहने के आदि हैं, उन्हें उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भौतिक दुनिया की सुविधाएं चाहिए, वो मुश्किल है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा छेड़छाड़ हो जिससे ये जंगल नष्ट हो, ये पहाड़ नष्ट हो, ना बिल्कुल नहीं, नहीं करना है। कांटे गड़ गए पैर में, एक मिनट। ओहो, निकल गए, जूता नहीं पहना था ना। आइए चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, जनता पार्टी ठीक है। गिर न जाए बच्चे। बैठो, बस बैठे। अरे कपड़े उतर गए तेरे? कल मैं गुड़े कल बात में बज निकाल दे बल्ले साहब माहौल पास वो जो है वो जाए तो मेरा दिल्ली में ये बता रहे और कि कौन तरीका से स्टार्ट करें तो मैं आपको मुझे बता रहा हूं। अरे वाह, इधर आओ। अलीगढ़। अरे वाह, बरेली। तुम्हारा तो प्रैक्टिस हो गया भाई। रामपुर उत्तराखंड का। अरे वाह, इसका देखो, अब वहां से इधर आ। देखो इसका ट्रायल चल रहा है। अभी दिल्ली से यहाँ का ट्रायल है। बस यहाँ देख, अब मैरोली पहुंच गया। तो अब बहुत खास पहुंच गया। कुछ बोल भी भाई। कैसा लग रहा है? ऐसे बोल। मैं किसान हूँ, देखो मैं इतना छोटा हूँ, छोटा किसान काम कर रहा हूँ। चल हो गया, अब नीचे रह। वाह, वहाँ जा रहा है। ले जाओगे क्या ये? और अपने घर तो हमें लेने गए, कुछ खिलाए पिलाए नहीं, बताओ। चलेंगे, आएंगे शाम को। हाँ अभी अभी आएंगे, थोड़ा देर में थोड़ा ब्रश व्रश कर लेते हैं, तभी तो खाएंगे ना। और तुम्हारा वीडियो भी तो दिखाना है तुमको। ये तो भाई तुम यहीं रहो अब ना। ये ले, ये काम करना। नहीं, जोड़ते। हाँ
यही रहना पत्ते, देखो कितना अच्छा सुंदर लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। और ये फोटो अपने स्कूल में जाना तो सबको दिखाना कि हम जब हम अपने गांव गए थे तो देखो कितना अच्छा काम किए थे। छतरपुर जाओगे तो दिखाओगे ना सबको, लाओ तुम्हारा फोटो खींच दे ये फोटो। हाँ हो गया, ये फोटो दे देंगे तुम्हारे व्हाट्सएप पे, फिर अपने स्कूल जाना तो दिखाना सबको। बोला चलो हम आएंगे तुम्हारे घर थोड़ी देर के बाद, बस ब्रश व्रश करके आ रहे हैं। ले गया वो छोटा वाला, क्या करेंगे इसका बुलाने के लिए लेना। सरसों का साग धुआं आ रहा था, धुआं तो आए कहीं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, धुआं में ही तो टेस्ट है। गैस का खाएंगे ना रोटी तो पेट में गैस हो जाएगा। हाँ, वही तो। और चूल्हे का खाएंगे तो सारा गैस धुआं हो जाएगा। धुआं भी था नहीं, अच्छा है आज तो हम लोग का खाना। खाएंगे, भूख लगी है भूख लगी है, खाएंगे खा लेंगे ठीक है। ये दिए ही नहीं रहे, कहाँ से खाओ अभी बन ही नहीं रहा अभी, कहाँ से खाओ। रोटी बनेगा आज तो मजा आ जाएगा खाने में, सरसों का साग और रोटी। ज्यादा हो गया क्या आंच, कम थोड़ा कर दिया जाए। इसमें वो चिमनी नहीं है तो धुआं बिल्कुल नहीं होता। ना वीडियो बनाना। यस लो बन गया, बन गया। सबसे तो रोटी बनती है। कोई तुमसे पूछ लेगा बस। अच्छा लगेगा तो। और बन रहा है खाओ। वैसे तो रोजाना आप देखते होंगे मेरे इस पुराने घर को, और ये पुराने घर इतने खूबसूरत लगते हैं। पहले जब पहाड़ों पे बहुत ही मुश्किल था आना और जाना, तो इसी तरीके से घर बनते थे, लेकिन धीरे धीरे समय ने बदला और सब कुछ रहन सहन सब कुछ बदलने लगा। परंतु अभी भी इन पहाड़ों पे बहुत कुछ नहीं बदला है, जीवन वैसा ही है। ये देखिए आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे ये आलू बुखारा है। अब आलू बुखारा तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आलू बुखारा बहुत हुए हैं, लेकिन सिर्फ आलू बुखारा ही नहीं, ऐसे पता नहीं अनगिनत कितने फल हैं जो होते हैं। और इन फलों को ऐसा नहीं है कि कोई इसको बहुत ज़्यादा सेवा की ज़रूरत होती है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ,
और इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे फल होते हैं जिनको कि हम कभी भी मौसम के अनुसार जब ये फल पेड़ पे आते हैं तो हम लोग इसको खाते हैं। और ये इतने लाभप्रद हैं, न तो इसमें कोई खाद है न इसमें कोई दवाई है, बस ये अपने आप ही लगते हैं और अपने आप ही होते हैं। तो यही है प्राकृतिक। कुछ और फल मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, जो कि आलू बुखारा काफ़ी अच्छे हुए हैं और मैं रोज़ाना इन फलों को देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये फल कितने लोगों को जीवन दे रहे हैं। आइए एक थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको।